आरोग्य जागृति। कोरोना के चलते हम सब ने काफी मुसीबतों का सामना किया, काफी परिवारों ने अपनों को खोया है। इस बीमारी ने सबको अलग अलग परेशानियों में जकड़ कर रख दिया। एक बीमारी खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इन सब के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कुछ लोग तो अपने आप में सहमे सहमे से रहने लगे हैं, अकेलापन महसूस करने लगे हैं, डर के कल क्या होगा इसकी चिंता कर रहे हैं। कोई करीबी जिसकी कोरोना से मौत हुई है उसकी चिंता इतनी सता रही है कि रात रात नींद नहीं आ रही है। बार बार कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, निगेटिव होने पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। कल की चिंता में ये आज को खराब कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, मानसिक बीमारी। इस बीमारी के चलते काफी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं, यही बता रहे हैं शहर के बहुत ही सुलझे हुए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विनय चपड़गांवकर। ये बहुत ही उम्दा मानसोपचार तज्ञ हैं। औरंगाबाद के नूतन कॉलोनी में स्थित चपड़गांवकर साइकेट्रिक क्लिनिक के वो सर्वे सर्वा है। आइए इन्हीं से इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अभी कोरोना महामारी में लोगों के इस ब्रेन पे इतना इफेक्ट हो गया साइकोलॉजिकल, और आगे क्या हो सकता है ये डर के मारे उन्हें क्या करना चाहिए इसलिए बहुत चिंतित है। ऐसे में आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य कोरोना के कारण आज पूरी तरह से विचलित है। सबसे पहले तो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, रिश्तेदार है, क्लोज फ्रेंड्स है, उनकी जो डेथ्स हुई है तो डेथ्स को सामने जाना अचानक तरीके से जो मास में हुआ है, तो उसको एडजस्ट करते करते बड़े बड़े लोगों को भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे ये डेथ फेस करना मुश्किल है, उसी तरह से मुझे भी कुछ लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होगी क्या कोरोना की वजह से, उसके वजह से भी बेचैनी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैसे कोरोना होने के पहले ही बहुत सारे लोगों में हम मानसिक दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे कि कुछ पेशेंट हैं जो बार बार एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, जिनको बार बार एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद में भी मुझे है लेकिन ये रिपोर्ट गलत बता रहे बोल के वो दिन में सात सात आठ आठ दस दस बार अलग अलग जगह जाके एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं जो एक दिन में दो दो तीन तीन सैनिटाइज़र की बॉटल्स ख़त्म कर रहे हैं कि मेरे को कोरोना हो ना जाए इसलिए मैं उसके लिए एहतियात करूँगा। कुछ लोग हैं जो इतने परेशानी में सिर्फ रोते बैठ रहे घर में, जिससे हम कहते हैं मायूसी, एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, इस तरह की अलग अलग बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा तौर पर देखे जा रही है। जिनको कोरोना हुआ भी नहीं है उनको मुझे कोरोना हुआ है ऐसा लग के वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से स्टैंड स्टिल में यानी रुकावट के हिसाब से देख रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोरोना हो रही, मतलब कोरोना आज है समाज में, हर तरह दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिना बीमारी के भी मुझे बीमारी है इस तरह की भी स्वाभाविक परेशानियां है या बेचैनी की बीमारियां बढ़ चुकी है, तो वो एक तरह के मानसिक रुग्ण एक कैटेगरी के बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। दूसरा, स्वाभाविक है जैसा मैंने बोला कि घर वालों के या दोस्तों के मृत्यु से जो परेशान है डेथ से, उसी तरह से बहुत सारे लोगों को आज फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं, उसके वजह से भी मायूसी, घबराहट, टेंशन, मेरा कैसा होगा आगे, मैं ऐसा ही रहूँगा क्या, ये कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब तरह की परेशानियाँ मानसिक लक्षणों की बहुत ज़्यादा तरीके से सामने दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींद, खाना, थोड़ा सुकून, ये ठीक से नहीं हो पा रहा है लोगों का, और दिन भर निगेटिव इमोशंस में रह रहे हैं, बेचैनी, घबराहट, रोना, किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहना, इस तरह के काफ़ी सारे लक्षण, और इनमें से कुछ लोग अभी कुछ भी मेरा हो नहीं सकता बोल के सुसाइड के भी विचार करने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से अपने और अपने परिवारों के साथ बहुत अच्छे से संवाद इस्टेब्लिश करके उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है इसकी सोच विचार करके
अगर किसी के पर्सनालिटी में या बातचीत में या बर्ताव में कुछ लक्षणीय बदल दिखते हैं तो आपने काउंसिलर्स की या साइकेट्रिस्ट की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जल्दी से मानसिक दुष्परिणाम उसका खोज के निकाले और उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे उनको दे के उनका मानसिक स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। हाल ही में बोलते हैं मानसिक आजार ये अनुवंशिक होता है क्या, और ये आजार हो अगर वक्त पे इलाज नहीं किया तो आगे क्या सफ़र होना पड़ेगा पेशेंट को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हर बीमारी की तरह मानसिक बीमारियाँ भी बहुत सारे तरह की अनुवंशिक रहती है। अब अनुवंशिक रहती है इसका मतलब अपने माता या पिता के घर में किसी को मानसिक बीमारी है तो वो बच्चों में आने की संभावना बढ़ती है। यानी आज अगर अपने घर में किसी को भी मानसिक बीमारी नहीं है, फिर भी 100 में से एक आदमी को किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी होती ही है। और अगर घर में माता या पिता के फैमिली में अगर मानसिक बीमारी है तो बच्चों को ये मानसिक बीमारी आने की शक्यता 1 से 5% तक के बढ़ती है। यानी हमने एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि 95% शक्यता ये है कि आपको बीमारी ना होवे, लेकिन शक्यता बढ़ती है, इतना बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना दे सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी बीमारी तुम जितने जल्दी से उसका निदान करेंगे, जितने जल्दी से उसका इलाज करेंगे तो उसकी क्रॉनिसिटी बोलो या उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसको आप टाल सकते हो। तो मानसिक बीमारियां भी आप जितने जल्दी से उसको खोज निकालेंगे, उसका निदान करेंगे, उसका इलाज करेंगे, उतने अच्छे से उसका पूरा इलाज हो सकता है, उतने कम डोज में उसका इलाज हो सकता है, उतना कम साइड इफ़ेक्ट की गोली से उसका इलाज हो सकता है। अगर बीमारी बढ़ती जाए तो जाहिर है डोज की मात्रा बढ़ेगी, डोज का कालावधि बढ़ेगा, डोज के होने वाले साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे, ओवरऑल ट्रीटमेंट को लगने वाला खर्चा बढ़ेगा। और बहुत बार एक हद से ज़्यादा बीमारी आगे निकल गई तो उसको पूरी तरह से नॉर्मलसी पे लाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। और फिर क्या होता है, मानसिक बीमारी में 2 तरह की मेन प्रॉब्लम रहती है जो लॉन्ग रन में पाई जाती है। एक तो आदमी का जो इंटेलिजेंस है, जो पर्सनैलिटी फंक्शनिंग है, वो कर नहीं पाता है क्योंकि वो अपनी बीमारी के इसमें रहता है। तो पर्सनैलिटी फंक्शनिंग, जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन रहता है पर्सनैलिटी में, वो नहीं कर पाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यानी सुसाइड या होमिसाइड, हम जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किसी ने खुदकुशी की है, भले अब कल डेंटल के एक स्टूडेंट ने किया था, परसों एक फार्मर की न्यूज़ आई थी, अभी तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हमको देखने को मिल रहे हैं कि मेरे घर में सबसे पहले मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन मैं तो बच गया, लेकिन मेरा रिश्तेदार, मेरी माता का कोरोना की वजह से निधन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैंने बाहर नहीं जाना था, मैंने एहतियात बरतनी थी और मैं गलत रहा, इसकी वजह से मुझे प्रायश्चित लेना पड़ेगा। इस तरह से सोचते हुए मैं अब मर जाऊंगा, उसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं बहुत गलत इंसान हूं, मैं मेरे मम्मी के लिए एक मौत का सौदागर बन के आया हूं, इस तरह के ज़्यादा मतलब मरने की भी बात मानसिक बीमारियों के हिसाब से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस तरह के पेशेंट लोगों को उनकी नींद, खाना, उनकी बातचीत, उनका मूड, उनकी बेचैनी, घबराहट, मायूसी, रोना, ये सब चीज़ों से हम जल्दी से उनकी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एहतियात कर ले या उनकी बीमारी के बारे में जल्दी से उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो उनकी क्रॉनिसिटी, उनकी पर्सनैलिटी फंक्शन और उनकी संभावना की मौत के लिए वो अपने आप को मजबूर करे, वो सब चीज़ें हम ज़रूर टाल सकते हैं। आज मनोपचार तज्ञ बोले तो आज लोगों में बहुत गैर समझ है, जैसा कि बताया कि मनोपचार तज्ञ के पास जाना है, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाना है, पागल के डॉक्टर समझ जाता है, तो ये लोगों में बहुत गैर समझ है। और उसके साथ ही हेल्दी ब्रेन रहे, हेल्दी विचार रहे, इसके लिए आप एज अ मनोस्व तज्ञ क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि जिसको हम सोशल स्टिग्मा बोलते हैं कि मानसोपचार तज्ञ या मानसिक आजार के डॉक्टर के तरफ जाना यानी मैं पागल के डॉक्टर के तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारियों में
कम से कम 100 अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, उसमें की एक बीमारी ज़रूर पागलपन की है, लेकिन बाकी की 99% बीमारियां ये बहुत अलग अलग बीमारियां हैं। जैसे मूड की बीमारियां है, विचारों की बीमारियां है, भावनाओं की बीमारियां है, आदतों की बीमारियां है, पर्सनालिटी स्वभाव की बीमारियां है, जिसे हम बोलते हैं इमोशन, उसकी भी बीमारियां है। यानी अंग्रेज़ी में अगर बोलना है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमनिया, मूड की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां है। और ये सब बीमारियों का और पागलपन की बीमारियों का कुछ 1% का भी संबंध नहीं है। तो उस तरह से हमने अज्यूम करना कि कुछ भी मानसिक है मतलब पागलपन है, ये अपनी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो शरीर में अलग अलग बीमारियां होती है, उसी तरह से दिमाग के अंदर में कुछ रसायन उसके असंतुलन के कारण अलग अलग तरीके की मानसिक बीमारियां हमें देता है। जैसे हमने देखा कि बड़े बड़े पहलवान, जिम के ट्रेनर, वो भी कोरोना से छूटे नहीं हैं, उसी तरह से मुझे कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा बोल के लोग मानसिक बीमारियों की तरफ नज़रअंदाजी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर शारीरिक रूप से बीमार होता हूँ या उस पर मेरा अगर कंट्रोल नहीं है, तो उसी तरह मानसिक बीमारियों का भी शिकार होना मेरे हाथ में नहीं है। हमारे अंदर एक गलत फहमी पहली है कि मेरे को मानसिक बीमारी हुई मतलब मैं कमज़ोर दिल का हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमज़ोर दिल का सवाल ही नहीं है। मानसिक बीमारियाँ ये दिमाग के अंदर कुछ रसायनों के असंतुलन के कारण होती है। आज जैसे हम पैरालिसिस हुआ या ब्रेन ट्यूमर हुआ तो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन निकल के अपना रिपोर्ट दिखाते हैं, या डायबिटीज़ हुआ तो खून की शक्कर की बढ़ी हुई मात्रा का रिपोर्ट हम शान से दिखाते हैं, उसी तरह मानसिक बीमारियों का भी निदान अलग अलग तरीके दिमाग अलग अलग तरीके के दिमाग के स्कैन से जरिए अगले कुछ सालों में ज़रूर होने वाला है। हम बस उससे 25-40 साल दूर है। वो दिन भी आएगा कि जिस दिन हम बोलेंगे कि मैंने मेरे दिमाग का ये स्कैन किया है और मुझे बेचैनी की बीमारी निकली है, मुझे मायूसी की बीमारी निकली है। तो मेरा आप सब लोगों से ये सादर ये है, रिक्वेस्ट है कि मानसिक बीमारी को भी आप सब ने एक शारीरिक बीमारी की तरह ही होने वाली, जो मेरे बस में नहीं है, अपने बस में नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे से इसका इलाज हो सकता है, इस तरह की बीमारी है ये समझ लेना ज़रूरी है। और बाकी अन्य बीमारी के हिसाब से हम उसका जितने जल्दी से निदान करेंगे और जितना जल्दी से उसका इलाज होगा, उतना उसका इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिसिटी कम रहने वाली है। तो इससे हमने भागना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर नहीं है नहीं है बोल के भागेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम लेके हम पेश हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसमें डरने की बात नहीं है। जितना जैसा शरीर है वैसा ही मन है, और जैसे शरीर की बीमारियाँ होती है उसी तरह मन की भी बीमारियाँ होती है। इसमें कमज़ोर दिल के लोगों को मानसिक बीमारी होती है, दिमाग से निकालना है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं इसका मतलब आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंटरव्यू कि ह्यूमन काइंड पे, मनुष्य पे बहुत बार संकट आए हैं। हर संकट कुछ टाइम तकलीफ दे के निकले भी है, उस तरह से ये कोरोना की महामारी से भी हम सब निकलने वाले हैं। कोशिश ये करना है कि मैं आज का दिन अच्छे से रहूं। ज़्यादातर मानसिक प्रॉब्लम, मेरे को कल क्या होगा, मेरे को ये होगा, यानी आज में न रहते हुए हम कल के बारे में ज़्यादा सोच के आज भी जाया कर रहे हैं और कल के बारे में निगेटिव इमोशंस रख रहे हैं, या फिर बीते हुए दिन में ये हुआ वो हुआ उसका पछतावा करने में ये कर रहे व्यतीत कर रहे हैं। तो ज़्यादा फ्यूचर या ज़्यादा पास में न रहते हुए वर्तमान में आज के दिन में हो सके उतने पॉजिटिव माइंडसेट से अच्छे से अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से संवाद बनाते हुए, एक दूसरे के लिए जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से एक दूसरे की मदद करते हुए अगर आज में अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे, और कुछ मानसिक किसी का भी अगर कुछ संतुलन डिस्टर्ब दिखता है तो उसकी जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ हम ये बीमारी को पक्का काबिज करेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आजकल अच्छी न्यूज़ ही ज़्यादा है। अब हम सेकंड वेव तो पक्की तरह से उसको अच्छे से कंट्रोल करने वाले ही है, और थर्ड वेव के लिए अगर आने वाली है आएगी तो हम उसके हिसाब से ज़रूर कोशिश करेंगे।